क्या हुआ, अब यहाँ पे छतरपुर पे ऐसा है कि वो हेयर ड्रायर की तरह फेंकता है। अब मैं उधर गया, मैंने हाथ ऐसे करे, उसने भाई मतलब ना जैसे डेटॉल में तू पानी मिक्स करके वो नहीं होता वैसे एकदम पिचकारी सी फेंक दी। अब मैं कह रहा यार आधा नीचे पिचकारी सी फेंक दी। हाँ, मैं कह रहा आधा नीचे गिर गया, उसको लगाऊ मैं छोड़ू मैं, फिर बंदे मैं हाथ हिला रहा हूँ और नहीं आ रहा। कह रहा भैया थोड़ा हाथ ऐसे करके यूं करो। मैं ठीक है फिर आया। मैं कह रहा भाई क्या एक मशीन रखो ना यार, तो बंदों को कंफ्यूजन होता है। प्रोसेस क्या कर दिया उन लोगों ने मतलब मेट्रो का? पहले तू एंटर करेगा, तेरा टेम्परेचर चेक होगा, फिर जो भी तेरा सामान है कुछ भी है, तू बैग लेके जा रहा है कुछ भी है, हैंडल कुछ भी है, उसको तू टेबल पे रख, वो तेरे आगे पीछे से सैनिटाइज करेंगे, फिर आगे जाके तेरा वो होगा सैनिटाइजर वाला होगा, वो लगा के फिर तू एंट्री करेगा। एंट्री पे भी फिर उन्होंने जो चेक करने वाली मशीन है वो भी लंबी कर दी। वो पोल लगा दिया भाई। डिस्टेंस भाई मतलब पहले तो ऐसा लगता था कि मैं मतलब दूर का दिखता हूँ कहीं से, इसलिए डिस्टेंस मेंटेन रखते हैं। अब तो चल ठीक है भाई, तो मतलब प्रिकॉशंस है भाई, वो प्रिकॉशंस वाली चीज हो गई। ये भी ठीक है, वो भाई ऐसे डर डर कर रहा है, वगैरह वगैरह डर भी ठीक है उनका। फिर मैं मेट्रो वाले से दूर से मतलब बिना उसमें छुए टच कर रहा भाई, स्कैन कर स्कैन कर। अरे बिना टच करने वाला हो गया? अबे नहीं मतलब पहले तो तुम ऐसे करके मार दो स्कैन हो जाता था। चलो अब ना मतलब मैं हवा में रख रहा हूँ कि डिटेक्ट कर ले और मेरे को छूने ना पड़े। भाई मेट्रो में मैं उसमें बैठा पिंक लाइन में, मेरे को बिल्कुल खुशी थी भाई, पूरी बोगी में कोई बंदा नहीं। जैसी मैं ये लैंड, हर एक सीट गिरी हुई है भाई। चार दिन में ये हाल है, बस दो दिन और मैं फिर सीधा देखो वो फोटो भेजूंगा तो ना पूछेगा। Okay, hey guys, what's up? Welcome back to the channel. मम्मी कह रही क्या खाना है ये बता, ऑप्शंस मत दे। अगर मम्मी सो अभी 8 बज रहे हैं, हम लोग जस्ट आए हैं एंड अभी आई विल टेल यू कि क्या हो रहा है यहाँ पे। सो दिस इज बेसिकली आवर बेसमेंट जहाँ पे हम लोग काम स्टार्ट करने वाले हैं। क्या काम है, क्या चीजें हैं, वो सब मैं आपको अभी बताऊंगा। एंड फिलहाल के लिए वी आर गोइंग आउट टू गेट सम थिंग। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? जैसे तूने बोला ना कि जो काम है मैं अभी बताऊंगा, मेरे दिमाग में एक ही चीज है, चुपचाप ज्यादा नहीं हो गया? तू सोच के देख, तू खुद सोच के देख। ऑडियंस को भाई हम पसंद आते, तुम जैसे लोग पसंद नहीं आते भाई। तुम जैसे लोगों ने गेम खराब उठा खाली उधर ले जाना अकेले निकाल। वैसे मैं उठ जाता हूँ फिर लोगों की बात, दोस्तों को तुम जानते हो बात देख ही नहीं करना चाहिए। देखो भाई बट तुम्हारे माँ बाप को पता होना हो, तुम्हारे दोस्तों को सब पता होता है। अच्छा वो बोलते नहीं, पूछ क्यों? क्यों? क्योंकि उन्हें पता है तो सुनने वाला है। अच्छा नाइस। ट्यूटोरियल 101 तो हम लोग इंटरनेट मैन्स प्लेस। इंग्लिश थी क्या था ये? तो हिंदी में बोल सकते हैं यार, बात करने हैं इंटरनेट में। देखो भाई तुम्हें कुछ अचीव करना है तो मेहनत करनी पड़ती है। पर व्हाट द फक इज दिस, क्या हो रहा है भाई, क्या मजा आ रहा है? क्या वायरिंग निकली पड़ी? हाँ उधर जिंदगी खत्म कर रखी है सेटअप ने, अभी तक मस्त चल रहा था। मैं सिर्फ खेल रहा हूँ, मैं लिटरली मैं सिर्फ खेल रहा हूँ, सोच रहा हूँ खेल रहा हूँ। सुइयो टेनिस बॉल है ना, खेलूँ भाई? रोए रोए को मत खेल, बस खेल भाई, मैं ये छुपी नहीं सकता उसको, जो बस ब्लैक वाले पे लेटा पड़ा हूँ उसके बाद हाथ ऊपर लड़ी पे भगवान करे फाइनली आ ही गया। कर परेशान हो कह रहा हूँ।
कहते हैं गुरुजी से जो बोलो वो हो जाता है, ठीक है? तो वो गुरुजी लिखा है, लेट्स प्रे। क्या हो जाता है? कहते हैं गुरुजी से जो भी मांगो वो पूरा हो जाता है। गुरुजी का वो लिखे हुए ना गुरुजी। तो लेट्स प्रे कि अगर 5 मिनट में सुन मेरी बात, 5 मिनट में इंटरेड वाला आ गया ना, मैं बिना टी शर्ट के गुरुजी के मंदिर जाऊंगा। बस ऐसे तू बिना टी शर्ट के नहाने आ जाए तो गुरुजी के मंदिर जाए। ऐसे ही रुक। शिट शिट ठीक है भाई, नहीं तुम पहले ये कर लो, मतलब जिंदगी सेट होनी रही है। अरे बाप रे, शिट तेरे से तो भरोसा था भाई, मतलब तू ही ऐसा धोखा देगा तो कहां से होगा भाई। जो टूटी है चेयर, अरे रे 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 रे, हमको लगा प्रॉब्लम इधर है, हमको लगा प्रॉब्लम इधर, हमने इलाज किया, पर ये व्हाट द फक, व्हाट इज दिस। जैसे हमारे प्रिय दोस्त हर्ष कहते हैं, दिस सक्स ये है सेम थिंग यार, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। यंग मैन जो कुछ करना चाह रहे हैं जिंदगी में, इसी एक एडवाइस है, करो, कोई रोकने वाला नहीं है, पर सब चीजें ना एक बार चेक कर लो कि वर्क कर रही कि नहीं कर रही, क्योंकि अगर तुम इंस्टेंटली करते हो ना तो ये होता है, ये सब होता है, चीज़ें खराब होती है, चीज़ें काम करना बंद कर जाती है, समझ रहे हो? ड्रग्स कर लो ना, तुम मेहनत क्यों कर रहे हो? यहाँ पे कोक की लाइन बनाओ, ऐसे नाक रोको, स्नॉट करो भाई, खत्म भाई, एंजॉय करो पूरा दिन, मेहनत करना है, कुछ बनना है, पेरेंट्स को गलत साबित करना है। टेक टू भैया, टेक टू अभी यूट्यूब पे देखा मैंने, उस बंदे ने पता है क्या किया? क्या उसने भी पकड़ा? हाँ, उसका ऑटोमेटिकली बाहर आ गया था यार। तो वही तो कह रहा हूँ, मेरा बाहर नहीं आ रहा ना साला, बंदी को इतना प्यार नहीं किया होगा अभी जिंदगी में जितना इसको कर रहा हूँ। बंदी भी तो होनी चाहिए, मैं थप्पड़ मार दूंगा, सपोर्ट कर बस। तो उसने बोला सेल निकालो, सेल जैसे था वैसे लगा दो, वैसे वापस लगा दो, ठीक है? लग गया, और इसको लिटा के रख, रुक ये वाली पिन निकाल के फूक मार के, मैंने पिन तमीज के साथ वापस लगा दिया। गाइस कभी भी कुछ ऐसा करे ध्यान रखे कि पिन ना मुड़े, खर्चा बढ़ जाएगा, जॉब कर रहे कभी ना करे, बंदे को बुलाए, 55,000 का पीसी के साथ खिलवाड़ हो रहा है इधर। एक भाई एक्सटेंशन बोर्ड बहुत फॉल्टी दिया, उसने चेंज कराना है अभी जाके, ठीक है? Let's see. Dislike mark. Dislike mark. Dislike mark की वीडियो पे नहीं चला? नहीं।